हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन है, जिसमें हम डिटरमिनेंट एंड क्रैमर्स रूल को यहां पर अरेंज करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है और स्कोरिंग भी है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम देखना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे डिटरमिनेंट को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल डी से, ठीक है, और उसके अंदर जो भी मॉड के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट होगी हम कुछ भी ले सकते हैं, a1, a2, b1, b2 = ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका जब वैल्यू मिलेगा तो a1 मतलब ये जो वैल्यू है आपको, b2 ये ऊपर चला जाएगा, मतलब a1 into b2 माइनस a2 into b1 ये इस फॉर्म में होता है, तो इसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। और इसके मॉड के अंदर जो भी वैल्यू प्रेजेंट होती है उस वैल्यू को हम एलिमेंट या फिर मेंबर ऑफ डिटरमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूले के जरिए हमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू आपको फॉर्म करना है। तो देखिएगा हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला सेम इसी तरीके से अरेंज करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये जो 5 है ये 3 की तरफ चला जाएगा और ये 4 2 की तरफ चला जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 माइनस 2 × 4। सो योर आंसर इज 3 × 5 = 15 माइनस 4 × 2 = 8। जब आपको दोनों का सब्सट्रैक्शन मिलेगा तो देखिएगा 3 × 5 आपको 15 मिलता है और 2 × 4 = 8 हो गया। दोनों का जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर, 7। समझ में आ गया। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, समझ में आ गया।